दोस्तों नमस्कार। आज की इस विशेष वीडियो में हम लोग जमशेदपुर का सब खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिद्धगौड़ा पूजा पंडाल देखने के लिए। यह बिल्कुल राजमहल जैसे दिखने वाली सोना से निर्मित जैसी एक पंडाल है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल है। देखिए अब चलते हैं सेकेंड वीडियो में हम लोग। यह है देखिए स्टेशन में बना हुआ खूबसूरत चमचमाता पंडाल, स्टेशन के समीप बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बहुत नज़दीक बना ये पंडाल है। वहाँ से बिल्कुल 300 मीटर की दूरी पर बहुत ही खूबसूरत पंडाल है। देखिए गजब का पंडाल बना है, देखिए गजब का लाइटिंग बहुत ही सुंदर खूबसूरत पंडाल है। देखिए अब वहाँ से थोड़ा हट के और ये भी स्टेशन लाल बिल्डिंग के पास बना है, गजब का पंडाल बना है, बहुत खूबसूरत पंडाल। इसमें चंद्रयान को दिखाया गया है, मोदी जी का भी एक मूर्ति बनाया गया है, बहुत छोटा में बहुत ही सुंदर बहुत दर्शनीय बहुत खूबसूरत पंडाल बनाया गया है, बहुत सुंदर पंडाल है। देखिए दोस्तों जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टेशन के नज़दीक है। कितना सुंदर ड्राइंग है, देखिए कितना सुंदर चारों तरफ से कितनी सुंदर मूर्ति है। देखिए बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत ही सुंदर है। भारत माता का झंडा है। देखिए अब चल के हम लोग पहुँचे हैं बागबेड़ा का, बागबेड़ा कॉलोनी पूजा पंडाल, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सुंदर शब्दों में बयान नहीं कर सकते इतना खूबसूरत बांस से बना हुआ, बांस से निर्मित बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा गजब का पंडाल बना है। गजब का सबसे ज़्यादा समय हम लोग इसी में बिताए, बहुत खूबसूरत पंडाल है दोस्तों। देखिए से आपको काम के दिखाते हैं तरह तरह का और भाड़ा वगैरह मिट्टी का भी कारोकार किया गया है। छोटा छोटा देखो मिट्टी से बना हुआ मिट्टी से बहुत ही खूबसूरत कुल मिला टॉप 5 में ही आता है। अब चलते हैं दोस्तों हर हर गुट के उस पंडाल को देखने जो शिव बाबा का भोलेनाथ का पंडाल बना हुआ है, उनसे जुड़े बहुत कुछ उसमें रखा गया है। नाग सांप है, लिंग है, बहुत कुछ है उसमें। गजब का लाइटिंग है, बहुत खूबसूरत शांत वातावरण में टाउन से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही सुंदर बना हुआ एक पंडाल है। देखिए मंदिर का चूड़ा भी चारों तरफ से बनाया गया है और भोले बाबा का मूर्ति है। कुल मिला के गजब का पंडाल है, बहुत ही लोभनीय है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा ये पंडाल देख के, टाउन से दूर भी अच्छा पंडाल बना हुआ है। अब दोस्तों हम लोग टेल को पहुंच गए जो बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ पंडाल है। देखिए बहुत ही खूबसूरत पंडाल है, छोटा पंडाल है मगर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत शांत वातावरण है। इसे भी टेल को बहुत ही शांत वातावरण है, पेड़ पौधों से भरा हुआ प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ क्षेत्र है। इससे नज़दीक घोड़ा बांधा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं घोड़ा बांधा के बहुत ही घोड़ा बांधा का पंडाल देखने के लिए। जो पंडाल के जस्ट पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का घर है, मुंडा जी के घर बहुत ही सुंदर बना है। देखिए थर्मोकोल से लेकिन माता रुई वगैरह नहीं लग रहा है, नज़दीक जाएंगे पता चलेगा लेकिन कलर कितना चेंज हो रहा है, बहुत सुंदर है। मैं अब अंदर जाके आपको दिखाता हूँ अंदर का किस तरह का। आइए ये महादेव जी का मूर्ति है यहाँ पर, देखिए
गेट से मतलब अंदर एंट्री, अंदर का इंटीरियर देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत दिक्कत जाके थोड़ा मूर्ति का दर्शन करते हैं, माता का दर्शन। अब दोस्तों बारडी पहुंच गए हैं, बारडी चौक के पास बना एक खूबसूरत पंडाल देखने के लिए। बेहतरीन पंडालों में से इसकी गिनती आती है, बहुत ही पुराना है ये, यहाँ पर हर साल पंडाल बनाया जाता है और बहुत ही सुंदर खूबसूरत पंडाल हमेशा ये लोग बनाते हैं। प्रीति स्टॉप नहीं हो रहा, टाउन में है, चारों तरफ से आने जाने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, आने जाने के लिए बहुत ईजी है। अब हम लोग देखिए ट्रांसपोर्ट मैदान सिद्धगोड़ा पहुंच गए हैं, जहां एक विशाल काय पंडाल बनाया गया है, उड़ीसा के मंदिर के स्वरूप ही बनाया गया है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा इसका डेकोरेशन है, अंदर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, पीला रंग में ही बनाया गया पंडाल है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अब दोस्तों हम लोग धीरे धीरे इसको देखते हुए अंदर प्रवेश करेंगे, जहां माता का भी दर्शन करेंगे और इंटीरियर डिजाइन भी देखेंगे हम लोग। बाहर का डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है, कितना बारीकी से ये काम किया गया है, देखिए मनोरम दृश्य है, देखिए गजब का इंटीरियर है, गजब का कारुकार्य है, देखिए नज़दीक से दिखाते हैं दोस्तों आपको, देखिए बहुत सुंदर, माता भी बहुत सुंदर है, देखिए माता की मूर्ति बहुत सुंदर, फैबुलस, टॉप 3 पंडालों में से ये पंडाल का गिनती आती है। देखिए फिर से आपको दिखाते हैं घुमा घुमा के चारों साइड, बहुत खूबसूरत है, देखिए तरह तरह का काम डिजाइन बनाया गया है, देखिए ऊपर देखिए उसका कितना खूबसूरत है, देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, देखिए श्रद्धालु भक्तों का लाइन लगा हुआ, देखिए सप्तमी पूजा के लिए सुबह का समय है। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए हमको, थैंक यू, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।